कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है तुम्हें, कॉन्टैक्ट फोर्स ये तब एक्ट रहेगा जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि भाई जब अगर दो ब्लॉक का या दो चीजों का सर्फेस कॉन्टैक्ट में होता है तो सर्फेस जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर तुम लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि सर्फेस कौन सा फोर्स लगाता है, तुम लोग बोलोगे नॉर्मल फोर्स लगाता है, सर्फेस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स नहीं लगाता है। सर्फेस अब जबकि तुमने फ्रिक्शन पढ़ लिया है तो सर्फेस एक और फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। अब इस एग्जांपल देखो, मान लो मैं इधर एफ फोर्स से इस ब्लॉक को घसीट रहा हूं, तो भाई फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा एफ और एक साथ में नॉर्मल भी तो लग रहा है, यानी कि सरफेस जो है वो दो फोर्स लगा रहा है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस। एक्चुअली सरफेस ये फोर्स लगा रहा है, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि जो एफ सी है वही फोर्स जो है वो सरफेस लगा रहा है, फ्रिक्शन और नॉर्मल का इक्विवेलेंट, मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट। पहले अपन फ्रिक्शन नहीं था अपने पिक्चर में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स था। अब हमने जो कि फ्रिक्शन पढ़ लिया है तो अब सरफेस दो फोर्स लगा रहा है, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। तो जो सरफेस ये फोर्स एफ नेट लगा रहा है दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तुम इसको फ्रिक्शन को पता है एक दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, फ्रिक्शन को बोला जाता है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स है और दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स है। यानी कि एक्चुअली में जो कॉन्टैक्ट फोर्स नेट आया है उसका एक कंपोनेंट मेरा नॉर्मल फोर्स है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। आई बात समझ में? तो एफ सी इज माई कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय सरफेस ऑन दिस ब्लॉक। जो नॉर्मल फोर्स इस एफ सी के साथ एंगल थीटा बना रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स इस एफ सी के साथ एंगल फाई बना रहा है, दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस फाई इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इस फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई खास चीज नहीं है। आई बात समझे? टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो तुमको याद होनी चाहिए, बस बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर एक दो सवाल देखते हैं। देखो अब जैसे कि मान लो एक सवाल ऐसा दिया गया कि भाई एक मास है जो कि एम मास है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, उसने बोला कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ सी निकालना। एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या लग रहा है? अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर ये रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? भाई इधर की तरफ अगर एम जी साइन थीटा लग रहा है तो फ्रिक्शन एफ जो होगा वो भी एम जी साइन थीटा के बराबर ही तो होगा, तब तो ये रेस्ट पे होगा। और नॉर्मल कितना लग रहा होगा? नॉर्मल तो वही लग रहा होगा जो कि एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि नॉर्मल विल बी एम जी कॉस थीटा। ये तुमने कर लिया। अब मैंने बोला कि नॉर्मल आ गया एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन आ गया एम जी साइन थीटा, तो एफ नेट जो एफ सी आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जो एफ सी आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ mg sin theta का होल स्क्वायर प्लस mg cos theta का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 है। जब तुम निकालोगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर आ गया? कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर आ गया। अब ये सवाल देखो, इस सवाल में 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं, x डायरेक्शन में पहले नॉर्मल निकालो, y डायरेक्शन में कोई फोर्स ऐसा लग नहीं रहा है, नीचे क्या लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। y डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, mg की वैल्यू है 10 न्यूटन, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू भी कितनी आ गई? नॉर्मल की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। अब देखो कि मैं कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 2 न्यूटन का, यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, तो f मैक्स बताओ कितना है? f मैक्स आ गया म्यू इनटू n, यानी कि 0.5 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। f मैक्स 5 न्यूटन है, मैं लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, तो इसको रोकने के लिए ये ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, रोकने के लिए ब्लॉक मात्र 2 न्यूटन लगा रहा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ सरफेस लगाया 10 न्यूटन, इधर की तरफ लगाया 2 न्यूटन। मुझसे कोई पूछता कि एफ सी की वैल्यू बताओ तो एफ सी आ जाता अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर, ये एफ सी आ गया और ये आ गया एफ सी की रिजल्टेंट वैल्यू। मैंने पूछता कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा बताओ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि 2/10। सिमिलरली मुझसे कोई बोलता एंगल ऑफ रिपोज 5 बताओ, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा निकाल दे, एंगल ऑफ रिपोज 5 बताओ, यानी कि टेन 5 इज इक्वल टू 10/2, यानी कि 5 आ जाता। जो भी निकालना हो अपन निकाल लेंगे। सिमिलरली अब इस चीज़ को समझने के बाद अपन एक और चीज़ समझते हैं, आखिर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और इनक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा के बीच का क्या रिश्ता होता है। इसको समझने के लिए समझना मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक ऐसा इनक्लाइन प्लेन है जिस जो कि यहाँ पे मूव कर सकता है, जो कि मूव कर देता है, ये फिक्स है। इस पार्ट को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक ब्लॉक इसके ऊपर डाल दिया एम मास का और मैंने बोला कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन दो सरफेस के बीच में म्यू है, इन दो सरफेस के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। मैं धीरे धीरे इसका एंगल थीटा बढ़ा रहा हूँ, अभी ये स्लिप नहीं कर रहा है, एक ऐसा थीटा आया कि जस्ट स्लिप करने वाला है। उस समय नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, ये जस्ट स्लिप करने वाला है, यानी कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना, म्यू एन, और इस वक्त अगर मैं एन की बात करूं तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, यानी कि इस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा। ये जस्ट स्लिप करने वाला है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी, जस्ट स्लिप करने वाला है। यानी कि म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू की वैल्यू टेन थीटा के बराबर आ गई, यानी कि ये वो एंगल है जिस एंगल पे ये स्लाइड करने वाला है। अगर मैं बोलता कि आप म्यू की वैल्यू √3 है तो किस एंगल पे ये स्लाइड करेगा, इसकी वैल्यू को टेन थीटा के बराबर रख दो, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी कि अगर इस इनक्लाइंड प्लेन पे अगर तुमने एंगल 45 डिग्री रखा तो ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि 45 टेन 45 की वैल्यू 1 है और ये 1 जो है वो √3 से छोटा है। अगर मैं बोलूं कि सपोज करो यही एंगल मैंने बढ़ा के 75 डिग्री कर दिया, क्या ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे रहेगा, अब ये ब्लॉक तुरंत में नीचे स्लाइड करने लग जाएगा, ए विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 होने के लिए मेरी म्यू की वैल्यू √3 चाहिए, √3 बोले तो थीटा की वैल्यू 60 से कम एंगल रहा तो ये रुका हुआ रहेगा। इनक्लाइन का एंगल 60 से ज्यादा हुआ तो सोचो हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, एक खास एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, उस खास एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम है। अब अगर मैंने एंगल बढ़ाया तो साइन की वैल्यू बढ़ गई और कॉस की वैल्यू घट गई, तो साइन की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कॉस पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू कम हो गई और खींचने वाला फोर्स बढ़ गया, यानी कि वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिस पे दोनों की वैल्यू सेम है डेट इज इक्वल टू म्यू टेन थीटा, उस पे ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, उससे कम एंगल पे रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि उससे कम एंगल पे कॉस डोमिनेट कर रहा होगा, साइन डोमिनेट नहीं कर रहा, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डोमिनेट कर रही है, बट उससे ज्यादा एंगल पे साइन की वैल्यू डोमिनेट कर रही है, यानी कि इसकी वैल्यू डोमिनेट कर रही है इससे, तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने बोला कि बताओ जब वो स्लाइड कर रहा है तो अब बताओ कॉन्टैक्ट एंगल कितना होगा, तो भाई कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसा होगा एफ सी, कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसा होगा एफ सी। अगर तुम बोलो कि ये एंगल अगर फाई है, सपोज करो, तो बताओ टेन फाई क्या आ गया, ये एन है तो ये भी कितना आ गया, ये एन आ गया जो एफ आ गया, तो एन एन बोले तो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा अपॉन म्यू एम जी साइन थीटा, और मैंने बोला ये थीटा बताओ कितना है, तुमने बोला यार ये थीटा आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम जी साइन थीटा, कट पीट आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई म्यू टाइम्स ऑफ टेन थीटा, तो ये थीटा मतलब इसको कुछ और डेल्टा ले लो, टेन डेल्टा की वैल्यू आ गई म्यू टाइम्स ऑफ टेन थीटा, यानी कि क्या समझ में आया कि टेन डेल्टा यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू टेन डेल्टा। और अगर मैंने बोला कि इनकी वैल्यू सेम है तो ये और ये कट गया, यानी कि यहाँ ये कट गया, ये खत्म ही हो गया,
टेन थीटा की वैल्यू ये खत्म हो गए, यानी टेन डेल्टा की वैल्यू म्यू आ गई। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये डेल्टा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये थीटा क्या है एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन, व्हेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन आर सेम देन इट विल नॉट स्लाइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये स्लाइड नहीं करेगा। बट जब भी ये एंगल थीटा छोटा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया तो भी स्लाइड नहीं करेगा, बड़ा हुआ तो ये स्लाइड कर जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये कंसेप्ट था, जो भी कंसेप्ट था ये कॉन्टैक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर था, तो कब स्लाइड करेगा। अब एक चीज और देखना कि म्यू की वैल्यू आई है टेन थीटा जिस पे ये स्लाइड करने वाला है, म्यू की वैल्यू क्या आई है टेन थीटा जिसके ये स्लाइड करने वाला है, क्या ये म्यू की वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है, इसके सरफेस एरिया पे क्या डिपेंड कर रही है म्यू की वैल्यू, नहीं कर रही है ना। म्यू की वैल्यू तो इसके ब्लॉक का मास उसका सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसीलिए यहां से अपन ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि म्यू की वैल्यू जो होती है वो सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक या मास ऑफ ब्लॉक इसके ऊपर डिपेंड करती नहीं। और ये बात यहां से समझ में आ रहा है। तो ये सारा था एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी नई बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।